फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा वृंदावन ट्रिप का वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 to 5 देखना चाहते हैं, जहां पर मैंने रहने से लेके कैसे आप घूमना स्टार्ट करें, कहां कहां घूमें और मेन कौन कौन से मंदिर कवर करें, किस तरह से वृंदावन पहुंचें, ये सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ है। और आज हम देखने जा रहे हैं सोने का खंभा मंदिर। जय हो, ताली बजा लो, हती कर लो, मंदिर का टाइम हो रहा है। वेरी गुड। वृंदावन में आप जो भी गाइड करेंगे वो आपको ताली बजवाएगा और हसी करवाएगा, जिससे आपके घूमने का आनंद दुगना हो जाए। ताली बजाओ, हसी करो, ठाकुर जी के गाओ। ये वृंदावन आपके हंसने का बड़ा है, यहाँ भगवान ने हंसने की लीला। वृंदावन आपके हंसते उसका घट परवार पुनो रत्नान भगवान की। अच्छा, राधे राधे बोलता है। राधे राधे भगवान का मंदिर। दूसरा बोलते हैं सोने के खंभे वाला मंदिर। इसके 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है सिंह दरवाजा, बाहर दोनों तरफ शेर बने हुए हैं। दूसरा लक्की दरवाजा है, राजस्थान जयपुर का कलाकारी है। और तीसरा मीनाक्षी द्वार है, ये गो साउथ का कलाकारी। साउथ में जाएंगे गोपुरम द्वार बोलते हैं, मीनाक्षी द्वार। ऐसे 7 दरवाजे हैं मंदिर के अंदर। 4 मंदिर का परिक्रमा है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं वृंदावन इस मंदिर के अंदर। ये रंगजी महाराज का मंदिर है। हम सब यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये 84 खंभे हैं, एक खंभे में 8 भगवान हैं। खुलता है अंदर से लक्ष्मी नारायण का पालकी निकलता है, पीछे से लाखों भक्त लोग निकलते हैं। जो भी व्यक्ति उस दिन द्वार का अंदर से प्रभु का पीछे पीछे निकलता है पालकी के, उसको वैकुंठ का प्राप्ति मिलता है, प्रभु के चरणों में जगह स्थान मिलता है। एक बार हाँ, कौन से दिन? वैकुंठ एकादशी, दिसंबर के महीने में, फूस का महीना। सर्दियों में फूस का महीना समझते नहीं है, दिसंबर सर्दी समझते, सर्दी समझते, दिसंबर समझते हैं। डेट बताओ ना, इससे हम डेट तो मंदिर के समय पे ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, डेट मतलब तिथि के हिसाब से आएगी जो भी है। ये जो श्रीनाथ रंग जी का मंदिर है, ये साउथ जो मंदिर है उनकी स्टाइल में बनाया गया है और काफी बड़ा है। इसका जो कैंपस है वो काफी बड़ा है और इसको आपने घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ होते हैं और आप कोई गाइड करते हैं तो गाइड पूरा फैमिली को बताता है और आपका पैसा पूरा वसूल होता है। दूसरी बात, इसको सोने का खंभा मंदिर भी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सोने का खंभा बना हुआ है। और जब भी आप जहाँ पे जाएं तो थोड़ा सा टाइम लेके जाएं, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है, कैंपस काफ़ी बड़ा है और देखने का बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे जो आप बोर्ड देख रहे हैं शीश महल, ये हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, लेकिन अगर आप जाएं तो आप इसको ज़रूर देखें और मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। और बाकी का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप में। मन्नार भगवान, इनका लेफ्ट राइट को माता लक्ष्मी जी का दर्शन है, राइट साइड में करुण भगवान का दर्शन है। सोने का मुकुट है, सोने का कुंडल है, मस्तक में हीरे पन्ने का तिलक, हाथ का आशीर्वाद दे रहे हैं सज्जा फलदायी का। आगे सोने का प्रतिमा चांदी के सिंहासन को, ये उत्सव मूर्तियां हैं, उत्सव में निकालते भगवान को चांदी का पालकी। एक बार प्रेम तो बोलो रंगनाथ भगवान की, ताली बजा लेना, हाथी कर लेना। उनके गुरु जी का दर्शन। अच्छा, मंदिर बना के फिर में गुरु को अर्पण किया, गुरु बिना ज्ञान नहीं। क्या नाम है इनके गुरु जी का? स्वामी रंगाचार्य जी। रंगाचार्य जी, ये दर्शन करेंगे आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी,
भगवान को तीन नाम से पुकारते हैं, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी, यहाँ बोलते हैं श्रीनिवास भगवान। यहाँ हर शुक्रवार फ्राइडे को 51 लीटर दूध से भगवान का स्नान होता है, अभिषेक होता है। पीछे काली वाली प्रतिमा, सोने का मुकुट कुंडल है, मस्तक में हीरे पन्ने का तिलक है, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में विराजमान चंद्रमुखी भगवान का दर्शन। चंद्रमुखी प्रतिमा है, बीच में बालाजी, आजू बाजू पत्नी श्री देवी भूदेव। एक बार फिर तो बोलो बालाजी भगवान की, ताली बजा लेना, हाथी कर लेना, ताली बजाओ। परिक्रमा करना है, राधे श्याम मुख से बोलना है, घर में आकर लेंगे 1000 नाम और तीर्थ में आकर लेंगे राधे श्याम राधे श्याम। जब बिगड़ जाते काम तो याद आते राधे श्याम राधे श्याम। चलो चलो परिक्रमा, धर्म आ जाओ, आगे रखना बाबूजी। चलो आओ भैया, आओ धर्म पत्नी, आओ आगे, आओ सब आगे जाओ, जाओ जाओ आगे जाओ। चलो फ्रेंड्स, आपने गाइड की बात सुनी होगी, जब बिगड़ जाते हैं सारे काम तो याद आते हैं राधे श्याम, यही मेरे फादर का नेम है और पिछले जमाने में इसी तरह के धार्मिक नाम रखे जाते थे। और आजकल के जो नाम रखे जाते हैं उनसे आपको यही पता नहीं पड़ेगा कि ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है। बीच में राजा रामचंद्र जी का दर्शन, लेफ्ट साइड को जानकी जी, राइट साइड में लक्ष्मण जी, एक आगे सोने का प्रतिमा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, ताली बजा लो, हाथी कर लो, ताली बजा लो, आ जाइए। अरे रुको यार, रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर ही आपको शॉपिंग के लिए मार्केट मिल जाएगा और खाने के लिए भी आप वहाँ पे लस्सी वगैरह पी सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। और उसके बाद आप निकल चले, हम जा रहे हैं आप कांच का मंदिर देखने। हाँ वो मंदिर कांच का, हम घर जा रहे हैं भाई। किट्टू बोल रही है घर जा रहे हैं, तो फिर घर जा रहे हैं। किट्टू कहाँ जा रहे हैं हम? किट्टू कहाँ जा रहे हैं बताओ? किट्टू कहाँ जा रहे हैं? घर जाना है और नहीं घूमना, घूमना है कि नहीं घूमना है ना? और हम आ चुके हैं कांच का मंदिर, ये है बहुत ही अंदर सुंदर है कांच का, ये इसको मैं आगे से आपको फोटो दिखाता हूँ। कांच का मंदिर और रंगनाथ जी का मंदिर, सोने का खंभा मंदिर, ये पास पास में ही है। और एक भूत मंदिर और है, वो हमने स्किप किया था क्योंकि टाइम का कमी था, लेकिन ये सारे मंदिर आसपास में ही है। और अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो आप आसानी से इन सारे मंदिर को कवर कर सकते हैं। कांच का मंदिर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पूरा कांच का बना हुआ है और एक डिफरेंट टाइप का लुक देता है। और इसमें एक और ख़ास चीज़ है, इसमें झांकियां हैं। इसका टिकट लगता है 5 से 10 रुपए, लेकिन उसको देखने में उसमें ऑटोमेटिक झांकियां हैं, जो पुराने ज़माने का जो भी कृष्ण भगवान की लीलाएं थी वो उसमें दिखाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की चीरहरण लीला। और इसी के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए, जो थी चीरघाट, जहाँ पर हमको करनी थी बोटिंग, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था 12:30 और सारे मंदिर हो चुके थे बंद। क्योंकि दोपहर में वृंदावन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं तो आप हमारी तरह बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग का कोई फिक्स चार्जेज नहीं है, लेकिन मज़ा ज़रूर आता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए बोटिंग। फ्रेंड्स, बोटिंग करने का सबसे अच्छा मज़ा हमें इसलिए आया क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। तो आप भी विजिटिंग या फिर ट्रैवलिंग जब भी करें, जब मौसम अच्छा हो, और जब भी उसका पूरा मज़ा आता है।
बाकी ठंडा ठंडा पानी था, हवा थी, इससे हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा था, हमारी सारी थकान मिट चुकी थी और फिर हम तैयार हो चुके थे घूमने के लिए जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, जिसका नाम था पागल बाबा का मंदिर, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और जब तक आप मेरे पिछले जो 5 वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। बिल्कुल हर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन और कहाँ पर रुकना है, किस मंदिर में कैसे कवर करना है, क्या उसकी फ़ीस है, क्या एंट्री टाइमिंग है, सब मैंने कवर कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। एंड टिल देन बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।